Hey guys and welcome back to the channel. So guys, आज हम बनाने वाले हैं इस ठंड के सीजन में एक और तमतमाती चटपटी सी आलू टिक्की. So guys, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज लेके आती हूँ 7 बजे लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू स्ट्रीट फूड्स एंड इजी रेसिपीज. एंड गाइज, चलो वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग कभी किचन में गए हो तो आप लोगों को किचन में काम करते हुए गाने सुनना पसंद है? क्योंकि भाई मुझे तो गाने सुनना इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको. सच में आपका ना मुझे कोई फेवरेट एक्टर का नेम बताना कमेंट्स में, अगर आप भी गाने सुनते हो ना काम करते करते कोई भी, तो बताना गाइस मुझे भी कमेंट्स में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे पास कौन से फ़ैन फॉलोअर्स हैं मेरे पास, ठीक है. तो चलो इस रेसिपी के लिए गाइस मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4-5 आलू बॉयल्ड लेके उनको क्रश कर दिया, उसके अंदर नमक, थोड़े से धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल के मैंने अपने आलूओं को कर लिया मिक्स. उसके बाद गाइस ये देख रहे हो ऐसी हल्की सी टिक्की जैसी शेप दो, इसको करो शैलो फ्राई. अगर आपसे टिक्की वाली शेप नहीं भी बनती, कोई भी शेप बनती है ना, बस बना लो, फील वही ले लेना टिक्की वाली, ठीक है. चलो उसके बाद गाइस आप क्या करो, अगर आपके पास बने हुए ये जो छोले हैं चने अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को एक आइडिया बताती हूँ क्या करो. अपने घर से निकलो बाहर, जाओ एक होटल के अंदर, मुश्किल से 20-30 रुपए के अंदर है ना आपको अच्छे से ना वो मिल जाएंगे समोसे छोले वाले. तो भैया को बोलना छोले अलग डाल दो भैया और समोसा अलग दे देना, उस तरीके से आपको छोले मिल जाएंगे. तो गाइस छोले लेने के बाद अपनी रखो टिक्की, उसके अंदर डालो थोड़े से मसाले जैसे कि चाट मसाला, चिली पाउडर, उसके बाद गाइस ऊपर से डालो ओनियन, ऊपर से डालो धनिया और सेव, और गाइस नमकीन डालना मत भूलना क्योंकि बहुत ही अच्छा लगती है नमकीन. और गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आप लोगों को अब पता ही है कि मैं कितनी अमेजिंग रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय.